नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज रंगों की होली खेली होगी, लेकिन कहना पड़ेगा कि सियासत की असली होली तो खेली नरेंद्र मोदी और ज्योतिराज सिंधिया ने। होली का रंग आज शिवराज सिंह चौहान पर भी चढ़ा हुआ दिखाई दिया। होली का त्यौहार बीजेपी के लिए जश्न और कांग्रेस के लिए मायूसी लेकर आया। कांग्रेस के बड़े नेता, कई साल तक लोकसभा में राहुल गांधी के साथ दिखाई देने वाले ज्योतिराज सिंधिया अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल खिलाएंगे। सिंधिया की मदद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 एमएलए बीजेपी का साथ देंगे। इसका मतलब मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है और कमलनाथ की सरकार गिर जाएगी और शिवराज सिंह चौहान करीब 1.25 साल के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करेंगे, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे और फिर मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। ये पूरी खबर मैंने आपको कल आज की बात में दी थी, लेकिन आज इन सारी बातों का कंफर्मेशन हुआ, पुष्टि हुई, ज़्यादातर बातें रिकॉर्ड पर आ गई। हालांकि अभी बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, अटकलें हैं, कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े दावे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। किसी ने दावा किया कि कमलनाथ कांग्रेस के विधायकों को वापस ले आएंगे। लेकिन अगर सियासत को ध्यान से देखें तो इस वक्त कांग्रेस के लिए, कमलनाथ के लिए ये सब करना मुश्किल लगता है, क्योंकि 22 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी अब बहुमत में है। इन इस्तीफों को स्वीकार किए जाने के बाद अब औपचारिक तौर पर 2-4 काम होने बाकी हैं। एक, सिंधिया का बीजेपी ज्वाइन करना, उसके लिए एक मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। सिंधिया का राज्यसभा का उम्मीदवार बनना और फिर केंद्र सरकार में शामिल होना। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की असेंबली में अपना बहुमत साबित करना और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले भोपाल में चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायकों की जो मीटिंग बुलाई थी उसमें कांग्रेस के 26 विधायक गैर हाजिर रहे। यानी जिन 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी है उनके अलावा 4 और ऐसे विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं आज दिन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। दिल्ली में आज सुबह से हलचल तेज थी। सुबह 9:30 बजे खबर आई ज्योतिराज सिंधिया प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। सिंधिया अपनी गाड़ी ड्राइव करके गुजरात भवन पहुंचे। कुछ देर बाद होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पहुंच गए। यहां करीब 40 मिनट तक सिंधिया और अमित शाह की मीटिंग चली। इसके बाद अमित शाह ज्योतिराज सिंधिया को अपनी गाड़ी में बैठाकर प्रधानमंत्री के घर के लिए गए। 10:40 पर दोनों नेता प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 घंटे तक ज्योतिराज सिंधिया की बात हुई और इसके बाद अमित शाह और ज्योतिराज सिंधिया एक बार फिर एक ही गाड़ी में वापस गुजरात भवन आए। सिंधिया को यहाँ छोड़कर अमित शाह निकल गए और सिंधिया यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चले। अरे पीछे रहो यार। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सिंधिया कुछ नहीं बोले। पूरे रास्ते में हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ज्योतिराज सिंधिया से सवाल पूछने की कोशिश करती रही, लेकिन सिंधिया खामोश रहे। उन्होंने घर पहुंचकर बार बार सिर्फ इतना कहा, हैप्पी होली, हैप्पी होली। सिंधिया ने ठीक कहा, उनके लिए होली बहुत हैप्पी हुई। मोदी से मुलाकात की थोड़ी देर बाद सिंधिया ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के साथ सिंधिया ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा शेयर किया। ज्योतिराज सिंधिया ने इस्तीफे की शुरुआत डियर मिसेस गांधी लिखकर शुरुआत की और सिंधिया ने लिखा, वो 18 साल से कांग्रेस के सदस्य रहे लेकिन अब उनके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन। सिंधिया ने लिखा, वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से, प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि सिंधिया के इस्तीफे पर आज की तारीख नहीं बल्कि 9 मार्च की तारीख थी। यानी सिंधिया ने अपना इस्तीफा कल ही तैयार कर लिया था, आज उन्होंने इसे सिर्फ पब्लिक किया। हैरानी की बात यह कि आज जब 12:10 पर ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया
उन्होंने ट्विटर पर कांग्रेस से अपनी कॉपी भी अपलोड कर दी। ये सबको पता चल गया। उसके 35 मिनट बाद कांग्रेस ने ज्योतिराज सिंधिया को पार्टी से निकाल दिया। केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ज्योतिराज सिंधिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से तुरंत प्रभाव से बाहर कर दिया है, इमीडिएट इफेक्ट से बाहर कर दिया, और कहा कि अब सिंधिया का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर थोड़ी हंसी आई। जो व्यक्ति खुद ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुका हो, जिसने एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी हो, उसे पार्टी से निकालने का क्या मतलब। जैसे ही सिंधिया ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने सिंधिया को पद का लालची, सत्ता का लोभी, पीठ में छुरा घोंपने वाला और न जाने क्या क्या बताना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह कि इस तरह के बयानों की शुरुआत अधीर रंजन चौधरी ने की, जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे वो, और एमपी भी रहा करते थे। एक बार हार चुके हैं, हार जीत तो होते ही रहते, फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में उनको टिकट भी दिए थे कि तुम लोकसभा में तो एमपी नहीं बन पाए, कम से कम राज्यसभा में एमपी बन के रहो, ये भी कांग्रेस उनको मौका दिया था। फिर भी उनको नहीं पुसाता है क्योंकि मोदी जी उनको कह दिया कि भाई तुम्हें हम मंत्री पद देंगे। तो सिंधिया वे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज़्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज़्यादा लाभवान होगी वो, इसलिए बस मुझे लगता है ऐसा। आज तक तो हम सब जानते हैं कि सिंधिया जी की परिवार से ही मतलब बीजेपी पार्टी की आज से ताल्लुकात नहीं है, दशकों पुरानी ताल्लुकात है। तो उसी विरासत के थोड़ा हटकर सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हम भी उनको बड़ा सम्मान भी करते थे, राजा का बेटा है, ऑक्सफोर्ड वाले मतलब हार्वर्ड वाले हैं, हम भी उनको जितना सम्मान देना चाहिए था हमारे पार्टी दिए थे। लेकिन आज न जाने लालच लोगों को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता कि कांग्रेस पार्टी में वो राजा की हैसियत में विराजमान थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में जाकर उन्हें जरूर प्रजा बनना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सिंधिया खानदान के 200 साल के इतिहास को याद करा दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने आज कहा कि सिंधिया परिवार का धोखे का पुराना इतिहास रहा है और आज फिर एक बार उसी इतिहास को दोहराया गया है। अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा हम करेंगे और अगला तो हमारा हम लोग गवर्नर से मिलेंगे और जो भी उसका नतीजा होगा आपको विधानसभा के फ्लोर पे दिखेगा। मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं, हम सरकार सत्ता में हैं, सत्ता में रहेंगे और अगले 5 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। सर टीका ट्वीट कर रहा था आपने सिंधिया के जाने पर, ये तो परंपरा है, परंपरा का निर्वाह उन्होंने किया है, आपको तो मालूम है, इतिहास है, आज का नहीं है, आजादी के पहले का इतिहास है और इतिहास को दोहराया जा रहा है। अरुण जी पहले भी ऐसे आरोप थे, फिर एक आरोप सिद्ध हो गए वाले। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो इतिहास है, इतिहास को दोबारा मध्य प्रदेश और देश में दोहराया गया है और इतिहास आप मैं नहीं जानते, झांसी रानी की झांसी के जमाने से जानते, देश के आजादी के समय कहाँ थे ये भी सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, अगर किसी को मुझे तकलीफ है तो मैं जाकर चर्चा कर सकता था। पहले से कहीं संबंध तो नहीं थे उनके? मैंने क्या कहा आपसे, आप समझ रहे मेरी बात को, परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं वो। सर सरकार के पास कोई और ऑप्शन बचे हैं अभी? सत्ता में है और रहेंगे 5 साल। अब कांग्रेस में टोटल कंफ्यूजन है। कुछ नेता कह रहे हैं कि सत्ता में है और 5 साल रहेंगे, अरुण यादव कह रहे हैं कि पिक्चर भी बाकी है, कमलनाथ की सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जिन्होंने ज्योतिराज सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने का ऐलान होते ही मान लिया कि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बचना मुश्किल है। सबसे पहले इस बात को दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कबूल किया। लक्ष्मण सिंह ने कहा अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है मध्य प्रदेश में, अब कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए और अगले चुनाव की तैयारी करे, इसी में पार्टी की भलाई है।
अगले चुनाव में फिर जीत कर आएंगे जनता। देखिए जो हो गया जिसको जहाँ जाना था वो गए, अब इसमें कैसे हुआ क्या हुआ ये सब इनमें पढ़ना बेकार है। वर्तमान स्थिति ये है कि हमें विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष बनकर हम काम करें और जनता से कहेंगे कि हमें 5 साल के लिए अवसर मिलना था नहीं मिला, एक अवसर और दीजिए और मैं समझता हूं जनता हमें देगी और आगे जाके कांग्रेस फिर सरकार। या कोई भी हो अब जो भी कांग्रेस, अब वो हालात जो हुए हुए उसमें पढ़ने से क्या फायदा। अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से सभी साथियों से मेरा कहना है कि हम सब एकजुट होकर एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरें और जनता के बीच में जाएं और निश्चित जनता हमें अगले चुनाव में। अब सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें, वो एक अलग पार्टी में। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि नंबर है, सरकार सेफ है, आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे। आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि अब विपक्ष में बैठने की तैयारी करना चाहिए, इसमें नंबर गेम तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा होने वाला है। लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि सिंधिया के साथ 22 एमएलए हैं, 4 और एमएलए हैं जो शाम की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, अब अपनी सरकार बचाना मुश्किल है, इस बात को समझते हैं। अधीर रंजन चौधरी भी साफ साफ यही बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद कुछ नहीं बचा, खेल खत्म हो गया, सिंधिया ने बीजेपी को सरकार बनाने की चाबी दे दी। अधीर रंजन चौधरी ने माना कि सिंधिया के जाने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो गया, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सरकार नहीं बचेगी। पार्टी की जब मुसीबत पैदा हो तो पार्टी के छोड़कर चले जाना, ये एक किस्म की जिस पार्टी तुम्हें इतने कुछ दिए हैं उस पार्टी से बेईमानी जरूर कर रहे हो। पार्टी का तो नुकसान जरूर होंगे, मध्य प्रदेश में हमारा सरकार लगता है नहीं बच पाएगा, लेकिन बीजेपी की आज की राजनीति यही है कि विपक्ष जो जहां है तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, गिरा दो, यही बीजेपी की अपना नीति है, वो नीति की चलते वो आगे निकल रहे हैं और हमारे पार्टी के कुछ लोग बीजेपी की इस साजिश में शामिल हो जाते हैं। पार्टी को तो एक्सपल करना ही पड़ेगा, क्या करेगा पार्टी, पार्टी के खिलाफ तुम जाके हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करोगे, हमारे पार्टी को जो ख़त्म करना चाहते हैं और बीजेपी पार्टी को तुम और बलशाली करने की कोशिश करेंगे तो पार्टी क्या चुपचाप बैठे रहेंगे। मोटी बात है कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने दो बयानों में दो बातों को कन्फर्म किया, एक तो ये कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी, यानी अब कमलनाथ की सरकार गिर जाएगी, और दूसरा उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी की सरकार में मंत्री बनेंगे, ऐसा ऑफर उन्हें है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो साफ बोलते हैं, जो समझते हैं उसको सच सच कह देते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसे बड़े नेता हैं जो बार बार अभी भी इस पूरी चीज़ को कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे एपिसोड पर आज दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा बीजेपी कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए काफ़ी पहले से कोशिश कर रही थी, पहले 4 फिर बाकी विधायकों को चार्टर प्लेन से बेंगलुरु भेजा गया। दिग्विजय ने सिंधिया का नाम तो नहीं लिया, ये कहा कि कुछ लोगों ने चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र इसलिए किया क्योंकि कमलनाथ ने माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दमंगाई से कमलनाथ जी ने की है उसके कारण ये घबराए हुए हैं। अभी नंबर है 15 साल तक इन्होंने जो ई टेंडरिंग में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, माध्यम के अंदर घोटाला किया, इन सब के परतें खुलती जा रही हैं। हनी ट्रैप के अंदर भी ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं उसकी भी परतें खुलेंगी। बात यह है
उन सबसे भयभीत होके ये सरकार पलटना चाहते हैं। सर, डू यू हैव द नंबर्स? अभी नंबर्स हैं कांग्रेस के पास या सर? जस्ट वेट। अब दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि कमलनाथ ने माफिया के खिलाफ एक्शन लिया, इसलिए सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। कल रात यही दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि सिंधिया को स्वाइन फ्लू हो गया है, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रहे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। आज वही दिग्विजय सिंह सिंधिया को माफिया बताने लगे हैं। इन बातों पर शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को जवाब दिया। शिवराज ने कहा कि कल शाम तक जो महाराज था, आज सुबह वो माफिया हो गया। ये कांग्रेस की कल्चर है, इस कल्चर के कारण ही कांग्रेस की दुर्गति हुई है। कांग्रेस के आंतरिक मामले में मुझे क्या कहना है? सिंधिया को गाली दे रहे हैं, उन्हें 1857 की बात याद दिला रहे हैं, गद्दार तक कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर सिंधिया को। जब तक वहाँ थे तब तक महाराजा थे, पर आज माफिया हो गए, ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को शोभा नहीं देते। सिंधिया परिवार के लिए बीजेपी नई नहीं है। ज्योतिराज सिंधिया की दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया बीजेपी की फाउंडर मेंबर थी। उससे पहले बहुत वर्षों तक जनसंघ में रही थी, इलेक्शन लड़ती रही थी। ज्योतिराज के पिता माधवराव सिंधिया लंबे वक्त तक जनसंघ में रहे। इमरजेंसी के टाइम पर उन्होंने जनसंघ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। उनकी बुआ वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। दूसरी बुआ यशोधरा राजे मध्य प्रदेश सरकार में 5 बार विधायक रह चुकी हैं, अभी भी विधायक हैं। शिवराज की सरकार में मंत्री थी। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा परिवार बीजेपी के साथ है, तो कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, सिंधिया आसानी से बीजेपी में अपनी जगह बना लेंगे। ये बात बीजेपी के ज़्यादातर नेता मानते हैं। यशोधरा राजे ने आज कहा कि वो तो लंबे वक्त से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। यशोधरा ने पहले एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा कि राजमाता के रक्त ने राष्ट्रहित में फैसला लिया, साथ चलेंगे, नया देश गढ़ेंगे, अब मिट गया हर फासला। यशोधरा ने ज्योतिराज सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने को उनकी घर वापसी बताया। मैं अपनी बहन से भी बात कर रही थी, वसुंधरा राजे, तो हम यही कह रहे थे कि अम्मा जब उगता हुआ सूरज पे माधवराव सिंधिया लड़े ग्वालियर से, तो आपको याद होगा, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस टाइम, पर लोगों को याद है कि जब उगते हुए सूरज से महाराज लड़े थे, तो अम्मा ने और पूरी बीजेपी ने बहुत समर्पित ढंग से उनके अगेंस्ट कोई किसी को नहीं लड़ाया। तो वो ही क्रम में आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं कि घर वापसी है। जनसंघ से माधवराव सिंधिया की का सफर शुरू हुआ, राजनीतिक सफर, और आज उनके बेटे से वापस घर वापसी हुई, बहुत अच्छी बात है। आदमी को आत्म सम्मान ही चाहिए इन द एंड। आत्म सम्मान की रक्षा हम लोग सब करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। यशोधरा ने यह भी कहा कि जो लोग आज ज्योतिरादित्य को गद्दार कह रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले इतिहास ठीक से पढ़ लेना चाहिए। जब माधवराव सिंधिया उगते हुए सूरज से लड़े, कांग्रेस से अलग हुए, तो हमने सोचा कि चलो ये एक कदम आ रही है और वो दूसरे कदम होगा कि हमें वापस जनसंघ में आ जाएंगे, पर हुआ नहीं क्योंकि कांग्रेस थोड़ी सी परिपक्व थी, उन्होंने वापस उनको खींच लिया, नो प्रॉब्लम। तो पर अब महाराज नहीं रहे, पर उनके बेटे आ गए, और वो भी उनके 75th बर्थडे पे, आज उनकी 75th बर्थडे है मेरे भाई की, तो एक अच्छा दिन है। आत्मसम्मान एक बहुत बड़ी चीज होती है, कितने भी बड़े राजनेता हो, कितने भी छोटे हो, आप इन द एंड इंसान हो, ह्यूमन हो। जब आपके आत्मसम्मान पे चोट लगती है, और लगातार चोट लगती है, तो फिर कई बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। मैं जो मंत्री कल तक साथ थे, महाराज कहते थे, अब ट्वीट पे गद्दार कह रहे हैं आपको। जो लोग गद्दार कह रहे हैं, मुझे पता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। जी जी जी। वो यंग नेता हैं, इतिहास नहीं पढ़ा। जी। ठीक से पढ़ लें। जी। फिर वो शांत हो जाएंगे। जी जी जी। तो आप और कम से कम पानीपत की लड़ाई में हम शहीद हो गए। जी जी। हाँ? जी। और जो लोग ब्रिटिश कि आर्मी में लड़ाई कर रहे थे, तो वो गद्दार निकले क्या? जब ब्रिटिश आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में ब्रिटिश वाले ही तो लड़ाई कर रहे थे हम ही लोगों के अगेंस्ट, तो उनको भी आप गद्दार कह दो ना। अब यशोधरा राजे अपने पति को कहाँ देखना चाह रही हैं? वो तो ऊंचाई पे है ही, ऊंचाई पे, कभी नीचे तो नहीं आएंगे। ज्योतिराज सिंधिया सीधे बीजेपी हाईकमान से संपर्क में थे।
शिवराज चौहान लगातार सिंधिया से बात कर रहे थे, लेकिन सिंधिया के सपोर्टर, कांग्रेस के विधायक, मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा के साथ भी संपर्क में थे। आज नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सिंधिया बरगद के वृक्ष हैं, सिंधिया को पद का लालची बताने वाले गमले के पेड़ हैं और कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोग रही है। एक शायरी जरूर याद आई उसको पढ़ने के बाद ट्वीट को, झूठ सच का राम जाने, कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। गमले में कौन लगे हुए हैं अभी? जीतू पटवारी और सिंधिया जी हैं बरगद। कांग्रेस के चाणक्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़े नाम लिए थे हैं? अभी तक तो चाणक्य थे, राहुल गांधी के सामने चाणक्य थे, दिग्विजय सिंह तमाम, भले ही उत्तर प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, इस्तीफे हुए कल मंत्रियों के, ऐसा मंत्रियों ने बताया है। ये चाणक्य होता है, भगदड़ मची है कांग्रेस में, ये चाणक्य होता है। उनका मंत्री कह रहे हैं कि माफिया है, ये चाणक्य होता है। उनके मंत्री लेबर मिनिस्टर ने कहा घटाएं गिर के आ रही है, सिंधिया जी का अपमान करेंगे तो बचेंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा, उनने कहा, दिग्विजय सिंह की आप बात कर रहे हैं, उनके भाई ने कहा कि ये मजबूर सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है। उनके मंत्री उमंग सिंगार ने कहा कि पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है। उनके मंत्री ने कहा कि सरकार का ब्लैकमेलर है ये सबसे बड़े मध्य प्रदेश के। हम थोड़ी कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं हरदीप सिंह डंग कि भ्रष्टाचार का आलम है, ना किसान का कर्जा माफ हुआ है, न ये हुआ। हम नहीं कह रहे कुछ भी, जमाना कह रहा है, अब तो हमको क्यों लपेट रहे हो। सिंधिया के ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, लगातार नेताओं के बयान आ रहे थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर पर थे, किसी से उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई बयान नहीं दिया। शाम को 5 बजे सिंधिया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। नड्डा से मिलने के बाद सिंधिया फिर अपने घर लौट आए और उस वक्त भी सिंधिया ने संवाददाताओं को सिर्फ होली की बधाई दी, कोई सियासी बात नहीं की। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के बाद जेपी नड्डा सीधे बीजेपी ऑफिस पहुंचे। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत तमाम नेता पहुंच चुके थे। यहां पहले बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और इसके बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई। उम्मीद तो ये थी कि चुनाव समिति की मीटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी दफ्तर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी की मेंबरशिप दी जाएगी और इसके बाद राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन करीब 7 बजे ये खबर आई कि सिंधिया आज बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। वो शायद एक ऑस्पिशियस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद ही राज्यसभा के उम्मीदवारों के का नाम के ऐलान भी होगा। और आज पार्टी ने अनाउंस किया कि ये फैसला जेपी नड्डा पर छोड़ दिया गया है। इस वक्त दिल्ली में हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी सिंधिया के निवास के पर हैं और भोपाल में बीजेपी के दफ्तर से और दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं, अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ हैं। विजयलक्ष्मी, पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कुछ संकेत मिले आपको सिंधिया के निवास से, सिंधिया के आसपास के लोगों से, अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एक्शन तो उन्होंने बहुत बड़ा ऑलरेडी कर ही दिया है। जी बिल्कुल, अभी नेक्स्ट एक्शन यही है कि औपचारिक तौर पर कब वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी को। हालांकि पूरा दिन हम लोग कोशिश करते रहे जब भी वो मीडिया के सामने आए उनसे पूछने की, लेकिन हैप्पी होली के अलावा बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि शायद कल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक जो जिन तमाम लोगों ने बेंगलुरु से इस्तीफे भेजे हैं, एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि उन सबके साथ ही सिंधिया जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि कुछ उनके समर्थक कह रहे हैं कि कल ज्वाइनिंग हो सकती है। आज 6:30 का भी समय था, लगातार इस तरह की बात हो रही थी कि आज ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि कल ही वो ज्वाइन करेंगे और शायद कुछ और जो समर्थक हैं उनके साथ ही अब वो बीजेपी ज्वाइन करें। जी देवेंद्र पाराशर, आप बीजेपी पर सुबह से नजर रखे हुए हैं, कल आपने ये खबर बहुत डिटेल में दी थी, एक्यूरेट खबर दी थी, आज क्या अपडेट है आपके पास? प्लीज प्लीज
देविन पारा शहर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आगे नाम क्या आपका? देविन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भोपाल चलते हैं, अनुराग अमिताभ हमारे साथ हैं। अनुराग, कमलनाथ के घर पे जो मीटिंग हुई उसकी खबर आपने दी, आपने बताया कि 26 एमएलए नहीं पहुंचे थे, तो अब फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? क्या वाकई में कमलनाथ रिड्यूस हो गए हैं 88 एमएलए तक? हाँ देखिए राजा जी, अभी से चंद कुछ देर पहले ही, सिर्फ 2 मिनट पहले ही यहाँ से कमलनाथ बाहर निकले हैं, और बाहर निकल के उन्होंने विक्ट्री साइन बनाया और साथ ही तमाम लोगों को ये भी बताया कि हमारे पास पूरे नंबर्स हैं और फ्लोर पे हम आएंगे तो हम अपना बहुमत साबित करेंगे। लेकिन साफ तौर पर जितने भी तमाम हमारी जो बात होती रही है मंत्रियों से, वो आंकड़ा देने में बचते रहे कि दरअसल 88 थे, 90 थे, 92 थे। साफ तौर पर जिस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, एक हिस्सा जो है, एक धड़ा ये कह है कि जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सज्जन वर्मा, उनके नेतृत्व में 2 से 3 जो मंत्री हैं वो बैंगलोर भी जा सकते हैं। अभी भी उम्मीद में दिखाई दे रहे हैं कि कहीं से जो 20 विधायक जो साफ तौर पर अपने इस्तीफा दे चुके हैं, उनको साधने की कवायद में ऐसा उन्हें लग रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी में देखें तो बीजेपी से तमाम जो विधायकों को ले जाने की बात आ रही है कि दिल्ली ले जाया जा रहा है, तो समीकरण दोनों तरफ जो है जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने भले ही विधायक दल की बैठक की, उस विधायक दल की बैठक में हालांकि जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो भी मौजूद थे, जबकि वो मतलब साफ तौर पर देखे तो विधायक भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो खेमा है कमलनाथ का, जान रहा है कि जो उसका समय है वो कहीं ना कहीं आखिरी दौर में है। ऐसे में एक प्रयास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक में उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे तो भी जीतेंगे, और कहीं ना कहीं उनका ये प्रयास दिखाने का था कि हम इस तरीके से आसानी से ये गेम बीजेपी को नहीं देंगे, सड़कों पर आएंगे। दूसरा खेमा ये भी बता रहा है कि बात उन्होंने कही है कि हम लोगों को तैयार रहना है किसी भी तरीके से अगर जो मध्यावधि चुनाव आए। हालांकि कोई भी मंत्री खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन माना जा सकता है जिस तरीके की मीटिंग आज चली है, कमलनाथ ने सारे विधायकों को चुनाव समेत मजबूत रहने के लिए और तैयार करने के लिए ये बात साफ तौर पर कही है। और इस वक्त तमाम मंत्री कमलनाथ के घर से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ हालांकि बाहर निकल कर आए, उत्साहित दिखाई दिए, लेकिन साफ तौर पर ये वो उत्साह नहीं था जिसे बीते 1 साल से हम तमाम मीडियाकर्मी भोपाल और मध्य प्रदेश में देखते आ रहे थे। चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कमलनाथ समेत। अनुराग, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनको दिल्ली लाया जा रहा है, और देविन पारशर ने ऐसे बहुत सारे विधायकों से बात की है, उन्होंने क्या कहा ये एक बार सुन लेते हैं। फिर चार्टर फ्लाइट से इन सभी विधायकों को यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। हमारे साथ कुछ विधायक हमसे बातचीत करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? होली की शुभकामना है, और पार्टी ने जो निर्णय किया पार्टी के साथ हम सब पार्टी से सहमत होते हुए, पार्टी जहाँ ले जाएगी, पार्टी कार्यालय पे खड़े तो यहाँ खड़े हैं, पार्टी जहाँ ले जाएगी हम पार्टी के साथ। ऐसी नौबत क्यों, क्या कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है आप लोगों को अपने पाले में खींचने की? भारतीय जनता पार्टी की हमारी अपनी पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग सामित रूप से कहीं निकल रहे हैं तो निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है आप लोगों को अपने पाले में खींचने की? कांग्रेस के साथ जन्म लेना पड़ेगी अभी हम लोगों पर बात करने के लिए। अपना स्टेट छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, कोई किन्ने कहते दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी तो हम भोपाल में अपने कार्यालय के साथ खड़े हैं। चलिए धन्यवाद। चार्टर फ्लाइट से आप लोग बाहर जा रहे हैं, कब तक रहना होगा? हमारी जानकारी में नहीं है, तो आपको मालूम होगा चार्टर फ्लाइट से जा रहे हैं। सर, आपको भी कुछ आइडिया है कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिए, जो व्यवस्था दी है, उन्होंने कहा गाड़ी में बैठ जाऊँ, गाड़ी में बैठ गए। कब तक बाहर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई अंदाजा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ बेकार। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सुना आपने, ये विधायक हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं। तो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों को दिल्ली लेकर आ रही है, और कांग्रेस को भी चिंता है अपने विधायकों की। हम एक बार बेंगलुरु चलते हैं, राघवन हमारे साथ हैं। राघवन, अभी भी कमलनाथ ने अपने एमएलए से कहा कि कुछ एमएलए जो बीजेपी के साथ चले गए हैं, 22 एमएलए जो बेंगलुरु में हैं, उनसे संपर्क है, तो क्या ऐसी स्थिति है कि वाकई में संपर्क स्थापित किया जा सकता है, कांग्रेस का कोई संपर्क हो सकता है? कल आपने कहा था कि उनको बड़े सेक्लूडेड तरीके से रखा गया है। जी बिल्कुल रजत जी, बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत
पांच ठिकानों को छानने के बाद हम जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, ये प्रेस्टीज गोल्फ शायर इस रिसॉर्ट के अंदर उन्हें अभी रखा गया है। जो कर्नाटक के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि सज्जन वर्मा नाम के एक फॉर्मर मिनिस्टर कल यहाँ पर पहुंचेंगे और वो इस रिसॉर्ट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, उन विधायकों को मनाने की कोशिश करेंगे। साफ साफ नजर आ रहा राजा जी कि जब बाजी हार गई है कांग्रेस तो अब किसी तरह से बीजेपी को एम्बेरेस करना चाहती है। हमने ये बात कर्नाटक में जब ये ऑपरेशन चलाया था बीजेपी ने, तब हमने मुंबई में देखा था कि कैसे यहाँ के जो मंत्री थे डीके शिवकुमार, उन्होंने मुंबई की होटल के बाहर बैठकर पूरे दिन ड्रामा किया था। कुछ ऐसा ही सीन हो सकता है कि कल हमें यहाँ पर नजर आए, क्योंकि डीके शिवकुमार खुद एक्टिव हो गए हैं। हमें पता चला कि केसी वेणुगोपाल ने डीके शिवकुमार को फोन कर बोला है कि अगर कांग्रेस के कुछ मंत्री वहां से आते हैं बेंगलुरु इन विधायकों को मनाने के लिए तो आप उनके साथ जाइएगा। तो हो सकता है रजत जी कि कल यहाँ पर इस रिसॉर्ट के बाहर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिले। राघवन, आपको पूरी रात और पूरे दिन एक तरह से विजिल रखनी पड़ेगी, अगर जरा भी कोई डेवलपमेंट हो तो बताएगा, हम आपके साथ बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ऐसा लगा जैसे नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी से कह रहे हों, बुरा ना मानो होली है। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर बीजेपी को एक बड़े राज्य में सरकार का तोहफा एक तरह से मिल गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। जिन कमलनाथ को कांग्रेस के नेता बहुत बड़ा शातिर मान रहे थे, जोड़ तोड़ की राजनीति का मार खिलाड़ी मानते थे, हम भी उन्हें बहुत अनुभवी नेता मानते थे, उनकी नाक के नीचे से 24 एमएलए पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाएं और उन्हें कानो कान खबर ना हो। जिस अंदाज में सिंधिया 24 एमएलए के साथ बीजेपी में चले गए, उससे कांग्रेस की कमजोरी उभर कर सामने आई। ये बात कन्फर्म हो गई कि कांग्रेस के पास न नेता है न नीति है। आज मेरे एक मित्र ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर मजा आएगा। उसमें उन्होंने लिखा कि राहुल सोनिया से कह रहे हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो सोनिया ने पूछा इसका मतलब, तो राहुल ने कहा तुम सोती रही मां, ज्योतिरादित्य चला गया। कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में है, लेकिन ताजा स्थिति यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 19 विधायकों के इस्तीफे मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के पास पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे सीनियर एमएलए ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक अनूपपुर से 6 बार विधायक रह चुके बिसाहूलाल सिंह ने असेंबली की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद भिंड से बीएसपी के एमएलए संजीव कुशवाहा और बिजावर से समाजवादी पार्टी के एमएलए राजेश शुक्ला ने भी शिवराज सिंह से मुलाकात की, उनके घर पहुंचे थे। ये दोनों विधायक कमलनाथ की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये बीजेपी के साथ हो गए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बिसाऊ लाल ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत के लिए सिर्फ कमलनाथ जिम्मेदार हैं, वो अगर विधायकों की बात सुनते तो ये नौबत ना आती। बिसाऊ लाल ने कहा जिस तरह से ये सरकार चली उससे कई और कांग्रेस विधायक नाराज हैं, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। कमलनाथ जी हों चाहे कोई भी हो, हम एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जो मेरे सामने रखा है। और आज मैं माननीय हमारे गरीबों के किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता। जिस हिसाब से कमलनाथ सरकार चल रही है, आने वाले समय में अधिकांश विधायक इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे जो मेरे संपर्क में। अब कांग्रेस के सबसे सीनियर एमएलए की बात आप सुनिए, कांग्रेस के ज्यादातर एमएलए इस्तीफा देकर अब शिवराज सिंह के साथ हो जाएंगे। शिवराज सिंह सिंधिया की तरह खामोश हैं, आगे की राजनीति पर कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फिलहाल सारा फोकस राज्यसभा के चुनाव पर है। हालांकि दिग्विजय ने बीजेपी पर विधायक तोड़ने का जो इल्जाम लगाया था उसका जवाब शिवराज सिंह चौहान ने जरूर दिया।
मेरे संबंध सभी राजनीतिक दल के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से है। होली पर हम लोग अक्सर मिलते हैं और इसलिए हमारे सपा और बसपा के विधायक मित्र मेरे अपने छोटे भाई हैं, बड़े व्यक्तिगत रिश्ते हैं, संबंध हैं, तो हम लोग मिले, मुँह मीठा करवाया, बातचीत की और उनको विदा किया। कोई प्लानिंग नहीं है हमारी सिवाय इसके कि राज्यसभा के चुनाव की हम लोग स्ट्रेटर्जी। एक चीज बता दीजिए, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है विधायक तोड़ने का, उसमें आप क्या? अब वो तो गालियां देते रहते हैं, हम और कोई काम तो बचा नहीं, अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पाए और आरोप हम पे लगाते हैं। बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, सावधानी से रख रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ कहा तो नहीं, वो दूसरी पार्टी के विधायकों से मिल रहे थे, इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हों या बहुजन समाज पार्टी के, उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ा सबूत मिला, जिस समय शिवराज सिंह चौहान बीएसपी और समाजवादी पार्टी के एमएलए से मिल रहे थे, उसी वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह बेंगलुरु से कांग्रेस के 19 विधायकों के इस्तीफे लेकर भोपाल पहुंचे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव के साथ इन इस्तीफों को लेकर विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति के पास पहुंचे। 19 एमएलए के इस्तीफे स्पीकर को सौंप दिए। भूपेंद्र सिंह ने कहा, इस्तीफा देने विधायकों की संख्या और बढ़ेगी और ये संख्या 30 तक पहुंचेगी। बारह से दो के बीच में ईमेल के माध्यम से सारे इस्तीफे माननीय विधायकों ने आप तक भेजे हैं। जो इस्तीफों की ओरिजिनल कॉपी है वह हम लोग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये जो 19 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, मैं श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, श्री तुलसी सिलावट जी, ये सभी के ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं और तारीख डली हुई है। श्री हरदीप सिंह जी डंग, ये इनका उनका हस्तलिखित इस्तीफा है। राजवर्धन सिंह जी, ये उनके साइन है और इस्तीफा है। श्री ओपीएस भदौरिया जी, ये इनके हस्ताक्षर हैं, साइन है उनकी स्वयं की राइटिंग में, उन्होंने ये पत्र लिखा है। इस तरह से 19 माननीय सदस्यों के इस्तीफे माननीय अध्यक्ष जी को हम सब लोग सौंप रहे हैं और संभावना है कि रात्रि तक लगभग 5 इस्तीफे और माननीय अध्यक्ष जी को सदस्य भेजेंगे और कल तक ये संख्या 30 तक भी हो सकती है। ये जो पत्र है, इन पत्रों में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो है, हमारे साथ बसपा के विधायक भी हैं, सपा के विधायक भी हैं और कांग्रेस के और भी विधायक हैं जिनके इस्तीफे या तो आ गए होंगे या आने वाले होंगे और बाकी कल तक आ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह ने कितनी सारी बातें एक्सप्लेन कर दी, कितनी सारी बातों को कंफर्म कर दिया। कांग्रेस के 19 एमएलए के इस्तीफे बीजेपी के नेता लेकर स्पीकर के पास पहुंचे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, 5 और इस्तीफे हैं जो शाम तक आ जाएंगे, 24 हुए। इसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही कि 30 एमएलए तक ये संख्या पहुंच सकती है। और चौथी बात उन्होंने कही, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुछ एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कमलनाथ के लिए सरकार बचाना टेढ़ी खीर है। भूपेंद्र सिंह ने इसीलिए स्पीकर से अपील की वो इस्तीफा और जल्दी से जल्दी फैसला करें, क्योंकि अब ये साफ हो गया कि कमलनाथ की सरकार माइनॉरिटी में है। मेरा सरकार से आग्रह है कि अब स्पष्ट तौर पर ये सामने आ गया है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के ही लगभग 23 विधायकों के इस्तीफे हो गए हैं और बाकी जो बीएसपी सपा निर्दलीय ये अलग हैं, ये संख्या लगभग 30 के आसपास पहुंच गई है। इनका समर्थन आपको मिल गया सपा बसपा का? हाँ हाँ बिल्कुल, और निर्दलियों का भी? अधिकांश लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है और अब कोई ऐसा कारण नहीं बचा है कि उसमें बहुमत को लेकर कोई विषय हो। बिल्कुल, मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद फ्लोर टेस्ट कराएं और उसमें फ्लोर टेस्ट में जो निर्णय हो उसके आधार पर मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बने और काम करने वाली सरकार बने।
पहला कदम है राज्यसभा का चुनाव और दूसरा कदम है राज्य में अपनी सरकार। ये दोनों की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन स्पीकर भी अनुभवी नेता हैं, उन्होंने सदा हुआ जवाब दिया। एनपी प्रजापति कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफे मिल गए हैं, अब तय प्रोसेस के मुताबिक वो काम करेंगे। इस्तीफे दिए गए हैं ऐसा आप लोग सुन रहे थे और अभी तक मैं भी सुन रहा था। अब ये मेरे को सौंपे गए हैं। जो नियम कानून की प्रक्रिया होती है, जो स्थापित नियम विधानसभा के हैं, तदनुसार मैं इनके ऊपर कार्यवाही सुरक्षित करूंगा। और ये आप सभी माननीय सदस्यों ने मुझे प्रेषित किया है। आप जानते हैं सियासत में ऐसा होता है, स्पीकर चाहें तो इन इस्तीफों को थोड़े दिन लटका सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं एक एक एमएलए को मिलूंगा, उनके सिग्नेचर को वेरीफाई करूंगा। तो कांग्रेस की कोशिश होगी इसको लटकाया जाए, बीजेपी की कोशिश होगी इस्तीफों को तुरंत स्वीकार किया जाए। एक तरफ भोपाल में बीजेपी एमएलए की बैठक हो रही थी, दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी कांग्रेस के विधायकों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। चूँकि 19 विधायक तो बेंगलुरु में हैं, असेंबली से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए तो तय था कि ये विधायक मीटिंग में नहीं आएंगे। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि कमलनाथ की मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले एमएलए की संख्या 26 थी। विधायक दल की बैठक 114 में से कांग्रेस के सिर्फ 88 विधायक मौजूद थे। इस मीटिंग में कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करने वाले समाजवादी पार्टी और बीएसपी के विधायक भी नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि जो बीजेपी का दावा है वो काफी हद तक सही है, लेकिन कमलनाथ ने दावा किया कि सरकार के पास बहुमत है, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए विधायकों के भी संपर्क में। शोर की वजह से कमलनाथ की बात बड़ी साफ सुनाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, हम एमएलए के संपर्क में हैं, बहुमत साबित करेंगे। और इस बात को डिटेल में बताया शोभा ओझा ने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। वो कह रही थी कि कांग्रेस अब फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रही है और सदन में बहुमत साबित करेगी। तमाम कांग्रेस के विधायक उपस्थित थे, जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी उपस्थित थे, और साथ ही बैठक में ये निर्णय लिया गया क्योंकि हमारे पास गिनती है विधायकों की, एकजुट हम होके ये लड़ाई लड़ेंगे। और जो विधायक सिंधिया जी के साथ जो गुमराह करके उनको इकट्ठा किया गया था, ये कहा गया था कि सिंधिया जी को राज्यसभा मांगना है, इसलिए उन्हें मांग करने के लिए इकट्ठा होना है, और फिर भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की बात हुई है उससे रुष्ट है वो विधायक भी जो गए हैं, और वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कांटेक्ट में है, और सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम विधानसभा के अंदर अपनी गिनती से कर देंगे, सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार अपनी गिनती विधानसभा के अंदर। देखिए विधानसभा में तो आएंगे ना। अब कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन ये कह तो नहीं सकते कि हमारी सरकार गिर गई है और डिमोरलाइजेशन हो जाएगा, इसलिए ये फेस तो रखना ही पड़ेगा। जैसे कमलनाथ सरकार में पीसी शर्मा हैं, मंत्री हैं, वो विधायकों के इस मीटिंग में थे। पीसी शर्मा ने समझाया कि कमलनाथ कैसे फ्लोर टेस्ट पास करेंगे। पीसी शर्मा ने कहा कमलनाथ खुद बेंगलुरु गए विधायकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन विधायकों को धोखा देकर बेंगलुरु ले जाया गया, उनके इस्तीफे फर्जी हैं। मुख्यमंत्री जी का ने कहा विधायक दल की बैठक में कि जो लोग 19 भाई जो गए थे उनमें से बहुत से उनसे उसमें हैं, ये कह के ले गए थे कि राज्यसभा के लिए ले जा रहे हैं और धोखा दे के दस्तखत कराएं, वो संपर्क में है, वो जैसे ही विधानसभा चलेगी विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, निश्चित तौर पर, और मेजोरिटी प्रूव करेंगे विधानसभा में हम लोग। अनुराग अमिताभ कमलनाथ के घर से हमारे साथ हैं इस वक्त में। अनुराग, आपने देखा कि कांग्रेस के नेता अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि हम मेजॉरिटी साबित करेंगे, कमलनाथ इन एमएलए के संपर्क में हैं, क्या अर्थ लगाया जाए इसका?
देखिए आज रजीव मेरी कम से कम 5 मंत्रियों से बात हुई, 5 मंत्री यही बात कहते नजर आ रहा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रही थी कि वो भी जान रहे हैं, आंकड़ा उनके पास नहीं है। 228 विधायक, दो विधायकों की मृत्यु के बाद 228 विधायकों की सदन है, 24 से करीबन जो विधायक है वो बीजेपी के पाले में, ऐसे में 204 का आंकड़ा हो जाता है, 104 का बहुमत का आंकड़ा हो जाता है, और 114 में से जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है उसमें से अगर ये 24 हम हटा देते हैं तो 90 का आंकड़ा हो जाता है, तो ऐसे में बीजेपी 107 है, तो प्रूफ तो वो कहीं से भी नहीं कर पा रही। अगर हम कर्नाटक मॉड्यूल को देखें तो कहीं से भी जो है वो बहुमत पे नहीं नजर आ रही है, इसीलिए वो कोशिश कर रही है, जैसे कि बात चल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, तकरीबन 22 विधायकों ने, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो फैक्स से किया गया है, इसीलिए वो जो विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो फिजिकली प्रेजेंट रहकर इस्तीफा देंगे, जिसके बाद जो सदन है वो तकरीबन 104 के आसपास आ जाता है। तो कांग्रेस जानती है कि उसके पास बहुमत बचा नहीं है, जो विधायक है वो उससे पिछले 5 दिनों से संपर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कमलनाथ अभी कुछ देर पहले ही हमने उनसे बात की, उन्हें उम्मीद थी पूरी कि हम विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, अपने मंत्री भी भेज रहे हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि ये जो प्लानिंग थी 5 दिनों से चल रही, 5 दिनों की नहीं है, 15 दिनों से पहले की चल रही है, जब वो विधायक तब संपर्क में नहीं थे, तो एंड टाइम पे अब जबकि पूरी बाजी बिखर चुकी है, जो मोती के मन के हैं वो बीजेपी के पास है, तो ऐसे में ये उम्मीद बेमानी है कि कहीं से भी अब जो ये विधायक जो गए हैं 24, ये वापस कमलनाथ के खेमे में, कांग्रेस के खेमे में आएंगे। आशा की एक आखिरी किरण होली के इस पहले दिन इस त्यौहार में जो है वो भी खत्म दिखाई दे रही है, कम से कम अगर मैं भोपाल के संदर्भों में बात करूं तो। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी उम्मीद कांग्रेस के लोगों तो कतई नहीं थी, उन्हें कमलनाथ पर, उनकी कलाकारी पर, उनकी शातिरी पर बहुत विश्वास था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस ने रिवाइवल का संदेश दिया था, लेकिन सिर्फ 1.25 साल में नेतृत्व और नीति की कमी के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई। कमलनाथ करते भी तो क्या करते, मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हर मौके पर राहुल गांधी के साथ खड़े रहने वाला नेता पार्टी छोड़कर चला गया। ये राहुल गांधी की नाकामी नहीं तो और किसकी नाकामी है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बीजेपी एक बड़ा राज्य कांग्रेस से छीन रही है, कांग्रेस का एक बड़ा नेता कांग्रेस में आ रहा है और इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके बाद सोनिया गांधी के लिए बड़ी चुनौती का वक्त है, क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट बनी है, वो लगातार कई साल से राहुल गांधी को एक लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन अब ज्योतिराज सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लीडरशिप को मंजूर करेंगे, उन्हें फिर से प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, इसकी उम्मीद आज और कब हो गई? क्योंकि आज मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के बाद हरियाणा में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद पार्टी हाईकमान के रवैये को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। संकेत साफ हैं, सिंधिया के बाद दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस में बगावत हो सकती है। मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक के अलावा लगातार कोरोना वायरस भी खबर बना हुआ है, इसे लेकर सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज की एक और बड़ी खबर कोरोना वायरस के बारे में, इसका खौफ बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है, इनमें से 34 भारतीय हैं जबकि 16 इटली से आए टूरिस्ट हैं। इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों में से 58 लोगों को आज भारत वापस लाया गया, इसमें 25 पुरुष, 31 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन इन भारतीयों को तेहरान से लेकर आया। इन लोगों को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर उतारा गया। अब इन्हें 14 दिन क्वारंटाइन प्रोसेस से गुजरना होगा। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रेस्क्यू के काम में लगी मेडिकल टीम और एयरफोर्स के जवानों की तारीफ की, साथ ही मदद देने के लिए ईरान की सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। ईरान में इस वक्त करीब 2000 भारतीय फंसे हैं जिनमें से 58 को वापस लाया गया है। फिलहाल उन्हीं लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है जिनमें कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं है, बाकी लोगों को भी टेस्ट कराने के बाद वापस लाया जाएगा। कोरोना की वजह से ईरान में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8000 से ज़्यादा लोग कोरोना से
इन्फेक्टेड है। भारत में अब तक 50 कन्फर्म्ड मामले आए हैं। कल घोषित 44 पॉजिटिव मामलों के बाद बेंगलुरु से 3 पॉजिटिव मामलों की रिपोर्ट मिली है, जो दुबई होते हुए अमेरिका से आने वाले पति पत्नी और उनका बच्चा है। पुणे से 2 पॉजिटिव मामले मिले हैं, ये लोग भी दुबई से वापस लौट कर आए थे, पति और पत्नी। और 1 पॉजिटिव मामला फिर बेंगलुरु से मिला है, जो हीथ्रो होते हुए अमेरिका से आए थे। रात की बात है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में भी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन अगर दुनिया भर की बात करें तो कोरोना की वजह से अब तक 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा 3,000 लोगों की मौत चीन में गई है, इसके बाद इटली और ईरान में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 1,13,000 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। इटली में सरकार ने अपने सभी 6 करोड़ नागरिकों को घर पर ही रहने को कहा है, यानी एक तरह से पूरा इटली इस वक्त लॉकडाउन है। दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में कोरोना वायरस फैल चुका है, लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के उपाय किए, उसका नतीजा है कि भारत में कोरोना कंट्रोल में है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना की वजह से इस बार होली का रंग फीका रहा, ये बात कही गई थी, लेकिन होली पर इसका कितना असर हुआ, कैसे होली खेली गई, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। जूद आज देश में होली पूरी धूमधाम से मनाई गई। लोगों से कहा गया था भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, लेकिन लोगों ने जमकर होली मनाई। आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें मैं दिखाता हूं। हर साल की तरह इस बार भी यहां हजारों भक्त होली खेलने आए। सुरभि शर्मा आज बांके बिहारी मंदिर में मौजूद थी। उन्होंने बताया कि यहाँ होली खेलने आए भक्तों में कोरोना का कोई डर नहीं दिखाई दिया। सिर्फ लोकलों नहीं बल्कि दिल्ली और राजस्थान से भी यहाँ लोग आए थे। कई विदेशी टूरिस्ट भी बांके बिहारी मंदिर में अबीर गुलाल के साथ होली खेलते दिखाई दिए। होली के उत्साह की इन तस्वीरों के साथ आपको एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। आज की बात में इतना ही। आप सौरभ शर्मा के साथ देखिए उस मुस्लिम कव्वाल की आपबीती जिसने राधा कृष्ण का भजन गाया तो उस पर जबरदस्त विवाद हो।